जाता है क्योंकि तो इसमें से सिर्फ मक्खी निकलेगी, उसमें लगा हुआ पदार्थ नहीं निकलेगा। ये छेद जो है सिर्फ मक्खी के आर पार जाने का पुरता छेद है। अभी खाना बनाने खाने की तैयारी कर ली आपने? खाना बन तो जाना, फिर खिलाऊंगा ना आपको। मक्खी कहाँ से आएगी तो बता रहे ना, मक्खी कहाँ से आएगी? यहाँ तो मक्खी कहाँ से लाओगे आप? मधुमक्खी पालन करोगे, मक्खी कहाँ से लाओगे? जैसे कि भाई साहब ने वो वहां से डब्बा लेके, आप कहाँ से लाओगे? नहीं, मक्खी के डब्बे मैं भी सप्लाई करता हूँ। अच्छा, मतलब मेरे पास भी डब्बे हैं, क्वांटिटी अगर मेरे को मिल जाती कि भाई 50 डब्बे 100 डब्बे लग रहे हैं तो मैं भी किसानों से पैसे कलेक्शन करके और उनको डब्बे सप्लाई करता हूँ। और ये जो आपके आए डब्बे, इससे लाख दर्जे अच्छे डब्बे मैं देता हूँ, क्योंकि मैं जो है विश्वास में काम करता हूँ। ये देखा कौवा कौवे का गोश्त खाता है? कुत्ता कुत्ते का गोश्त खाता है? तो हम कौन है? तो हम खा सकते हैं? हाँ, हक है लो। मालिक भी कहता है कि आपका हक है, आपने पसीना बहाया, आपका हक है लो, बाकी इतना भी मत लो कि वो पसीना बहाना वाला भी टूट जाए। तो ये जो है डब्बा, ये डब्बा जो है ये, इसको मैं आपको ये बता दूं कि पहले इसकी थ्योरी समझा दूं। अब थोड़ा सा मैं देखता हूं अभी जाके, थोड़ा सा वो मक्खियां बाहर निकली थी, अंदर नहीं आ पाई इसके अंदर की। सुबह आना भी होगा यहाँ पर मेरा, सुबह तो मैं आऊंगा, तो कहीं से जाऊंगा। चलिए, ये जो है ये डब्बे को इसके सामने रखा जाता है। बैठिए बैठिए बैठिए। कहां पर? जो मक्खियों का आने जाने का रास्ता है, वो मक्खियां, इसको रात में रखना है आपको। अगर आप बोलोगे मैं सुबह 7 बजे रख दूं, 8 बजे रख दूं, तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कि आप जब आपके घर से निकले तो आपके घर का झोपड़े से घर को बना के रखा था, और हमारी माँ बहन ने आपको मिल गया है, आपके घर बचा है, ये बचा है क्या? आप लोगों को बैग मिल गए, सबको मिल गया, कोई बचा तो नहीं है ना? घर को लीपती पोतती है, सवार देती है, थोड़ा सा चूना वूना लगा देते हैं तो घर सुंदर दिखता है। तो आप जब खेत में से शाम को 5 बजे लौट के आते हो, तो जैसे ही घर की तरफ आते हो तो एक सेकंड रुक के अपने घर को देखते हो कि यार हमारे माँ बहन भाई जो भी बहन बेटी जो भी हो घर पे, उन्होंने घर को आज लुक के किया तो अपना घर सुंदर लग रहा है, ठीक है ना? ऐसी ये मक्खियों का रिवाज है कि कोई भी प्रक्रिया अगर हमको करना है तो हमको रात में करके छोड़ना है, दिन में कुछ नहीं होगा। दिन में इमरजेंसी में हम कुछ कर सकते हैं, इमरजेंसी में, वो भी बहुत सी मक्खियां बाहर चली गई होगी तो गारंटी नहीं। वो जब आती है तो फिर दरवाजे के पास घूमती है, तो फिर थोड़ा सा अपन खोल सकते हैं दरवाजे को, क्योंकि वो जान बचा रहा हो कुछ कर रहा हो तब की। बाकी ये डब्बे को रात में ही ला के रखा जाता है, इसका मुंह बंद किया जाता है, इसको बाजार से ढक के इसको रस्सी से बांधा जाता है, तब जाके डब्बे आप बाहर लाना ले आना कर सकते हो। रात में क्या था ना, दिन में डब्बे चलेंगे नहीं। बहुत से भाई लोगों ने सुबह 5 बजे डब्बे लेके आए थे, आपने कितने बजे लाए थे? हाँ, सुबह 6 बजे निकला था सर, यहाँ खंडवा से घर के लिए। वो तो खंडवा में लगे होंगे आप? हाँ, खंडवा में, उन्होंने भाई ने रख दिया था खंडवा में, फिर सुबह आया 6 बजे लेके चला गया। खंडवा में कहाँ रखा था? ये माता चौक पे, भैया रहते अपने वहाँ पर। अच्छा अच्छा, वो आपने बोल दिया होगा? हाँ, मैंने बोल दिया था। फिर सुबह से मैं आया गाड़ी से, फिर मैं लेके गया तो डब्बे वो आगे मुँह बंद था, पन्नी से पैक था सर। उसको आपने क्या करा? फिर वही खेत में जाके वो स्टैंड पूरा खोल के वो नीचे रख के फिर वहाँ खोला सर उसको, करीबन 7:45 गए थे मेरे को वहाँ। मक्खियाँ फिर इकट्ठी 10-15 मिनट बाद बाहर निकली होगी। हाँ, निकलना चालू हुई थी ना सर, वीडियो भी था उस समय का मैंने, पनी खोलते हुए जैसे। तो अभी आपके यहाँ खाने में क्या उनके लिए? अभी तो सर सरसों ही लगी हुई है एक एकड़ में सर, बस, और गेहूँ चने हैं सर। गेहूँ और चना है? हाँ सर। तो आप एक काम कीजिए, मक्का लगा दीजिए ना। गर्मी की सर मूंग लगाते हैं सर? नहीं, तो मूंग में मक्का लगा दीजिएगा। अच्छा, मूंग में मक्का, एक डेढ़ किलो, मतलब 3-4 किलो की आती है। हाँ। तो 4 किलो की ठीक है, अगर घर में कभी देसी मक्के का बीज पड़ा हो तो मक्का डाल दीजिएगा, तो बैलों को चारा हो जाएगा, देसी भुट्टा खाने के लिए भी हो जाएगा, घर पे बाजार में बेचने के लिए भी हो जाएगा। हाँ। जयराम जी आइए,
आप अभी आ रहे हैं ना? हाँ ठीक है जी। कल भी आए थे आप? चार बजे हो गए। तो मैं 2 मिनट आपके लूँगा आप।